जय हिंद दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सीके कंप्यूटर एकेडमी में। मैं चंद्र प्रकाश आज आप लोग को हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करें उसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले आप इस टेबल को देख लीजिए। जिन लोग को यह टेबल बनाना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जिसमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का वीडियो बनाया हूँ, उसमें इस टेबल के बारे में विस्तार से बताया हूँ कि कैसे टेबल बनाया जाता है। तो टेबल बनाना जिसको नहीं आता है वो जाकर वहाँ से देख सकता है। तो चलिए मैं एक सवाल ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक हेक्सा नंबर ले लेता हूँ। हेक्सा नंबर में बीच में कोई भी संख्या होगी जो 0 से लेकर 15 के अंदर रहेगी, लेकिन जो 10 है 10 ना रहेगी। लिखकर हम लोग ए लिखते हैं, 11 को 11 ना लिखकर बी लिखते हैं, 12 को 12 ना लिखकर सी लिखते हैं, इस प्रकार 15 को एफ तक लिखते हैं। तो 9 तक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 10 से जो है उसका मान रखते हैं। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। पहले सामान्य साथ सामान लेते हैं। देखिए 7689 हेक्सा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो आप जो है इस सवाल को पहले इसे उतार लीजिए। अब आप इस टेबल में देखेंगे कि 7 के लिए कौन सा मान दिया है। तो 7 के लिए दिया है 0111। तो इसका जो मान होगा 7 का वो होगा 0111। 6 तो 6 के लिए देखिए अपने टेबल में लिखा है 0110, तो यहाँ पर लिखेंगे 0110। देखिए 8 के लिए क्या मान दिया, तो 8 के लिए मान दिया 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000। और 9 के लिए देखिए क्या मान दिया, तो 9 के लिए मान दिया 1001, तो 1001। अब इसी को उतार लीजिए, 0111 0110 1000 1001। यह क्या हो गया आपका, बाइनरी हो गया। यही आपका आ गया आंसर। एक सवाल और लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 76C हेक्सा है, इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। तो अपने टेबल में देखिए 76C 7 के लिए क्या दिया है, तो 7 के लिए दिया है 0111, तो यहाँ पर लिख देंगे 0111। देखेंगे 6 के लिए क्या दिया, तो 6 के लिए दिया 0110 0110 0। देखेंगे सी के लिए, तो सी के लिए देखिए 12 वाला नंबर को सी दिया है, तो सी के लिए दिया है 1100 1100। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आ जाएगा बाइनरी का आंसर। एक दशमलव के लिए लेते हैं एक सवाल। देखिए यहाँ पे एफ डी दशमलव 7C हेक्सा है, कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो ऐसे उतार लेंगे पहले इसको दशमलव के जगह दशमलव। अब देखिए देखेंगे आप अपने टेबल में कि एफ के लिए क्या मान होता है। एफ के लिए होता है 41 4 टाइम 1। देखिए 1111 डी, तो डी के लिए देखेंगे क्या दिया है, तो डी के लिए दिया है 2 टाइम 1 0 और 1 2 टाइम 1 0 1। दशमलव के जगह ऐसे दशमलव उतार लेंगे। 7 के लिए देखिए क्या दिया, तो 7 के लिए दिया 0111 तो 0111। देखेंगे सी के लिए क्या देता है, तो सी के लिए दिया है 1100, यहाँ पर लिखेंगे 1100। अब यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कितना है 1 2 3 4 5 6 6 1 है, इसके बाद 0 फिर 1 0111 1100। यह क्या हो गया आपका आंसर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।